ठीक है जी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कुछ आप पहले क्वेश्चन आपके जहन में जो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज के मुताबिक वो क्वेश्चन जरा पूछें और फिर मैं स्टार्ट करूंगा अपने टॉपिक के मुताबिक। तो डोंट हेजिटेट, और जो आपके जहन में क्वेश्चन है इसके मुताबिक जो आपके जहन में कन्फ्यूजन है वो आप पूछ लें जरा वन बाय वन। स्टार्ट प्लीज। सर, जी वालेकुम सलाम। हेलो जी, सर, आपकी ये आवाज आ पूछ रही है। रहे था कि अगर हम कोई ऐसा कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं तो अब उसको पहले ये देख लेना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट कितना है, कि मतलब कितने लॉन्ग टर्म वो सर्व करेगा या नहीं करेगा, तो ये पहले चीज देखनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, गुड जी। और क्वेश्चन? चल मैं इसका आंसर साझा करता जाता हूँ। बिल्कुल, आप जब भी कोई कैरियर का डिसीजन करेंगे तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि जो आप काम करने जा रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, तो अगर वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देगा और आपको अपना करियर स्विच करना पड़ेगा किसी और कैरियर के मतलब या किसी और टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा, तो पहले वाला टाइम आपका कुछ उसमें वेस्टेज होगी, लेकिन फुल वेस्टेज कभी भी नहीं होती। जो भी आप काम करते हैं उसे लर्न जरूर करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो पूरा का पूरा वेस्टेज हो जाएगा, लेकिन जितना आप टाइम रॉन्ग डायरेक्शन में गुजारेंगे वो आपको फिर सही डायरेक्शन में आते आते उतना टाइम दोबारा स्पेंड करना पड़ेगा अपने सेम क्लास फेलो से ही इवन कम्पीट करने के लिए। जी, और क्वेश्चन सबके दिन में आ रहे हैं? सर, अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए या मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए? लेकिन इसमें बड़ा सिंपल सा रूल है, मेरी जो थ्योरी है वो ये है कि आप अगर समझते हैं कि आपका एक इंटरेस्ट है और आप उसमें काम करेंगे और आप पैशन फील करते हैं और आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो इवेंचुअली जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो इवेंचुअली आपकी अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद बन जाती हैं। लेकिन साथ साथ आपको इंडस्ट्री का भी देखना पड़ेगा ट्रेंड। मिसाल के तौर पे आपको फॉर एग्जांपल फ्रेंच बहुत अच्छी लग रही है और आप कंप्यूटर साइंटिस्ट के हैं और आप चाहते हैं कि मैं फ्रेंच पे ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, तो वो थोड़ी सी अजीब अजीब कम्बिनेशन बन जाएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है मुझे जावा अच्छी लगती है, डॉट नेट अच्छी लगती है, तो मैं जावा में जाऊँ कि डॉट नेट में जाऊँ। अगेन, अगर आपको जावा अच्छी लगती है और जावा में ज्यादा आप कंफर्टेबल हैं तो यू शुड गो विद जावा। जावा की अपनी पूरी फील्ड है, पूरी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है? तो ये देखना जरूरी नहीं है कि डॉट नेट में चूंकि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं तो मैं डॉट नेट पे स्विच कर लूँ। अगेन, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे तो फिर आपको उस पर जाना चाहिए जिसपे आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है, उस पर जाना चाहिए। इसके साथ मैं आखिर में क्वेश्चन का आंसर भी करूंगा कि आपका जो इंटरेस्ट है और 90% ऐसा होगा कि आपको उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपको जॉब उसमें नहीं मिलेगी, तो क्या करना चाहिए वो मैं आखिर में डिस्कस करूंगा। जी, कोई और क्वेश्चन इस तरह के जो आपके दिन में आ रहे हैं? शाबाश, अच्छे क्वेश्चन है, पूछिए। सर, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये भी तो है ना कि एज अ कैरियर पाथ कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, तो इसके लिए हमें कौन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, ये हमारी डिस्कशन का पार्ट है, मैं इसको डिस्कशन में ही डिस्कस करूंगा, ठीक है? सो मैं जैसे क्वेश्चन इसलिए कह रहा था कि कुछ ऐसा पार्ट जो मैंने मेरे जहन में जो मैंने लिखा नहीं हुआ मैं उसको आंसर करता जाऊं, कि आखिर में आप क्वेश्चन ही पूछते, तो फिर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। ये वाला पार्ट हमारा है बिजनेस का, बिल्कुल है पार्ट, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर बीच में ब्रेक करेंगे 10 मिनट बाद और दोबारा क्वेश्चन ले लूंगा जो आए होंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा देखें, कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो आपके पास हैं, नॉर्मली जॉब है और टीचिंग है। मैंने टीचिंग को सेपरेटली लिखा है, जॉब के अलावा लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि टीचिंग जॉब भी है, जॉब भी होगी, आपको सैलरी भी मिलेगी, लेकिन इसको हमें सेपरेट ट्रीट करना चाहिए। सो ये वो ऑप्शन कि आप कहीं जॉब कर लें और कहीं पर आप टीचिंग, अगर आपको इंटरेस्ट है तो टीचिंग भी कर सकते हैं आप। टीचिंग में मुराद आपका इंटरेस्ट ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि जी आसान प्रोफेशन है और मैं टीचिंग में जाऊंगा, वीक में 4 लेक्चर होंगे, 6 लेक्चर होंगे, वो पढ़ाऊंगा, दैट्स ऑल, तो फिर टीचिंग के साथ जाती होगी। लेकिन अगर आपका पैशन है, उसके अंदर जाना चाहते हैं और आपको फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम नहीं है या आप फाइनेंशियली सस्टेन कर सकते हैं, तो यू शुड गो इन द टीचिंग फील्ड, ठीक है? लेकिन अगर आप फाइनेंशियली भी अर्न करना चाहते हैं तो जॉब इज बेटर, क्योंकि आईटी की इंडस्ट्री में जॉब के अंदर काफ़ी ज़्यादा सैलरीज हैं और थोड़ा सा ग्रोथ जल्दी होती है, और टीचिंग में इतनी सैलरी शुरू में नहीं मिलेगी आपको। तो और साथ आप फिर अगर आप टीचिंग का पैशन पूरा करना चाहते हैं, तो जिस तरह मैं अपना वो एक पैशन पूरा कर लेता हूँ, तो आप विजिटिंग फैकल्टी के अंदर टीचिंग कर सकते हैं। विजिटिंग फैकल्टी से मुराद ये कि आप जाएं, अपने 2 लेक्चर लें और 4 लेक्चर जो वीक के लेने हैं वो जाएं, और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं होती और आपको आपके लेक्चर के पैसे मिल जाते हैं, दैट्स ऑल, और अपना आप जो जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो भी कर लेते हैं। तो टीचिंग इज एन ऑप्शन,
आप लोगों में से अगर किसी का टीचिंग का है तो जस्ट आप अपनी एक आपको चीज इंप्रूव करने की जरूरत है, स्किल्स तो आपके पास होनी चाहिए लेकिन कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने की जरूरत है। हमें से बहुत सारे लोग बड़े अच्छे टेक्निकली होते हैं लेकिन चूंकि वो अपने आप को बयान नहीं कर पाते या थोड़ा सा क्राउड में वो बोल नहीं पाते तो उस मसले को प्रॉब्लम आ जाती है। उसका हल यह है कि अगर कहीं आपके पास कोई छोटी मोटी अकेडमी पास है वहां पे जाके या क्लास में कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें आप कोशिश करें बोलने की, तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगेन मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि टीचिंग में इसलिए ना जाएं कि आपको जब कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही इसलिए आप टीचिंग में जा रहे हैं, ठीक है। सो टीचिंग इज वेरी वेरी गुड प्रोफेशन अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि जॉब में आप किसी एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होंगे लेकिन टीचिंग के प्रोफेशन में आप बहुत सारे लोगों को 30, 40, 45, 50 लोगों को आप डेवलप कर रहे होते हैं। सो इट्स बेटर प्रोफेशन अगर आप प्रोफेशन की बात करें तो। फ्रीलांसिंग है, आप लोगों ने इसका नाम सुन लिया होगा और कुछ आप में से कर भी रहे होंगे। फ्रीलांसिंग ये है कि कोई भी काम आपको मिलता है और आप अभी जॉब ड्यूरिंग स्टडी कोई कहता है यार ये काम कर दो, डाटा एंट्री कर दो, नेट से कुछ चीजें ढूंढ दो, ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर दो, ये पेज बना दो, तो आप वो काम करते हैं। कोई दोस्त भी कह सकता है, कोई आपको रेफरेंस से भी कोई कह सकता है, लोकल इंडस्ट्री में कोई बंदा कह सकता है मुझे एक सॉफ्टवेयर बना दो, वेबसाइट बना दो, तो ये फ्रीलांसिंग है। और जरूरी नहीं कि आई टी रिलेटेड हो, कोई भी आप काम ऐसा कर रहे हैं जैसे कुछ आप इनकम कमा रहे हैं तो वो आपकी फ्रीलांसिंग कहलाएगी, ठीक है। और ये डिफरेंट तरह की साइट्स अवेलेबल हैं जिनपे लोग स्टार्ट करते हैं काम करना, ड्यूरिंग स्टडी स्टार्ट कर देते हैं, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। प्रोफाइल जब बिल्ड हो जाती है आपकी उन साइट्स के ऊपर, प्रोफाइल बिल्ड से मुराद ये कि आपने काम स्टार्ट किया, जिस तरह आप वैसे समझ लें कि अगर आपको मैं कहूँ एक दुकान खोलें तो आपको दुकान जब खोलेंगे तो वो शुरू में तो नहीं पॉपुलर हो जाएगी, आपको अच्छा खासा सरमाया चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए, फिर ग्राहक आएंगे, अच्छी आप क्वालिटी देंगे तो फिर ग्राहक आपके साथ रहेंगे एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसी तरह जो फ्रीलांसिंग है उसमें भी वहां जब जाएंगे तो बेतहाशा लोग होंगे जो कि पहले ही काम कर रहे होंगे, तो आपको अगर अपना नाम बनाना है फ्रीलांसिंग के अंदर तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कम अमाउंट पे काम करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा क्वालिटी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और जब आपके पास कुछ रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, कुछ तो काम कर लेते हैं और वहां से क्लाइंट से कुछ रिकमेंडेशन मिलती है, फिर आपको काम मिलना आसान हो जाता है, ठीक है। और इफ आप समझते हैं कि अब मैं जो कमा रहा हूँ इससे ये कमा इतने पैसे मेरे पास आ रहे हैं कि मैं मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है और मुझे कहीं जाके करने की जरूरत नहीं, मैं घर बैठ के ही काम कर सकता हूँ, तो यू कैन कंटिन्यू दैट, ठीक है। लेकिन फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपको क्लाइंट्स चाहिए, आपके पास काम कर रहे हैं क्लाइंट्स, आज 2 क्लाइंट हैं कल 3 क्लाइंट हैं और वो क्लाइंट कहते हैं जी मेरा काम खत्म हो गया, देन यू मे हैव प्रॉब्लम कि काम ना मिले आपको, तो ये फ्रीलांसिंग का इशू है। और अगर काम मिल रहा है कर सकते हैं, इवेंचुअली ये होना चाहिए अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो थोड़े अरसे बाद आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप क्लाइंट अपने पक्के करना शुरू करें, काम ज्यादा हो जाएगा आपके लिए हैंडलिंग कर सकेंगे, फिर आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। यानी आपका टारगेट इधर से फ्रीलांसिंग से काम खुद स्टार्ट करके इवेंचुअली अपने काम की तरफ जाना चाहिए जहां से आप क्लाइंट से काम लेंगे और आप लोगों से काम करवाएंगे, उसमें आप बेनिफिट कम रखेंगे अपना। मतलब अगर $5 पर घंटा आप ले रहे हैं क्लाइंट से तो आप $4 किसी को दे देंगे, $1 खुद रख लेंगे, क्योंकि आपने तो सिर्फ मैनेज ही करना होगा ना। तो ये टारगेट होना चाहिए आपका फ्रीलांसिंग के अंदर, और अगर आप इस टारगेट में कामयाब होते जाते हैं तो यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, ये बिजनेस बन जाएगा आपका, एक अपना बन जाएगा। लेकिन इसमें सस्टेनेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पास क्लाइंट पक्के नहीं है और क्लाइंट के पास इतना काम नहीं है तो आपको आफ्टर 6 मंथ, 8 मंथ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी अमाउंट की, ठीक है। लेकिन अगेन वही आता है, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपकी 50,000 की तनख्वाह लगती है, एक साल आप काम करेंगे तो आप फॉर एग्जाम्पल 6 लाख कमाएंगे, और आप क्लाइंट के साथ इस तरह काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग में तो शायद आप 3 महीनों के अंदर ही आप 6 लाख 10 लाख कमा लें, ठीक है। तो वो फिर गैप आता है कि इवेंचुअली थोड़ा टाइम गुजरने के बाद देखेंगे तो आपको लगेगा आपने ज्यादा कमाया होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। और जो एक नेक्स्ट ऑप्शन है वो एंटरप्रेन्योरशिप की और बिजनेस की है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मजीद आगे डिस्कस करता हूँ। फ्रीलांसिंग में और एंटरप्रेन्योरशिप में ये फर्क है कि एंटरप्रेन्योरशिप जब बात करते हैं तो बेसिकली आप अपने किसी आइडिया को या अपने किसी चीज को आप खुद ओन करते हैं और उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। इसमें फ्रीलांसिंग वाली चीज नहीं होती कि किसी काम किया आपने दे दिया उसको दैट्स ऑल, वो काम नहीं होता इसमें कोई भी। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, और हमारी प्रॉब्लम भी यही है कि हमारी जो थिंकिंग का स्टाइल है हम सोचते ही जॉब का है, जो कि बड़ी गलत अंडरस्टैंडिंग है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमारा जहन हमें एक्सपेंड करना चाहिए, हमें एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सब ये ख्वाहिश यही करेंगे कि हम सब जो है वो एंटरप्रेन्योर बन जाएं, सभी जो है मार्क जुकरबर्ग बन जाएं, हम सब जो है स्टीव जॉब्स बन जाएं, सब जो है वो बिल गेट्स बन जाएं, लेकिन हम उसके लिए अपनी प्रिपरेशन अपनी तैयारी नहीं करेंगे। ना हम प्रोफेशनल एथिक्स सीखेंगे, ना हम इतने हार्डवर्किंग होंगे, ना हम इंटेलिजेंट होंगे, ना हम वो तमाम स्किल जो उन लोगों में थी कि वो फ्यूचर इस पर टाइम इन्वेस्ट करते थे वो करेंगे, ना हमें रिस्क लेने की आदत है, हम बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं। तो ये सारी चीजें ये प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर आप अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, ठीक है। एंटरप्रेन्योर के लिए एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए अपने बिजनेस के लिए आपको रिस्क लेने की आदत होनी चाहिए, आपके ऊपर डिपेंडेंसीज घर वालों की कम से कम होनी चाहिए। यहाँ अगर आप फॉर एग्जांपल अभी भी 4 साल की जॉब करने के बाद आप
एंटरप्रेन्योरशिप का डिसीजन करते हैं तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट घर से मिलनी चाहिए कि आप करो, कोई मसला नहीं है। और वो एक टाइम फ्रेम 6 महीने का, साल का, आप डिसाइड करके इसको ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। आपकी इन्वेस्टमेंट आपका टाइम इन्वेस्ट करना है आपने, वो आप करेंगे। लेकिन ये हो कि जी आप कर रहे हैं और घर वाले कह रहे हो कि जी वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको जॉब करनी चाहिए थी, पैसे आने चाहिए, फिर ये काम खराब हो जाता है। ठीक है, और सबसे जो आइडियल टाइम आपके लोगों के पास है, जिसकी वजह से मैं सेशन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हम एम लैब के अंदर ये एक्टिविटीज करते हैं, वो ये वाला टाइम है, 6 सेमेस्टर के बाद वाला टाइम। आप इस टाइम को, जो अगला टाइम ये अभी एक पास आने वाला है, ये ब्रेक आने वाली है, उसके बाद आपने FIP करना, पूरा साल होगा उसमें काम कम होगा पढ़ने वाला, इस पे जितना कुछ करना है आपने एंटरप्रेन्योरशिप पे, बिजनेस पे, वो आप कर लें, ताकि जब अपनी डिग्री खत्म हो 4 साल के बाद, तो यू शुड हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, आप में वो एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। आपने उस टाइम तक अपने आइडियाज को एक्सप्लोर कर लिया हो, इंडस्ट्री को पढ़ लिया हो, देखा हो कि दुनिया में लोग कैसे एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, क्या चीजें चाहिए होती हैं, कैसे लोग फेल होते हैं, कैसे वो कंटिन्यू करते हैं स्ट्रगल को, तो आपके पास एक प्रॉपर जामिया प्लान होना चाहिए कि आप अपने 4 साल के बाद उस प्लान को आगे चला सकें। देन यू कैन टॉक टू योर फैमिली कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो मुझे 6 महीने या साल लगेगा, मैं पैसे नहीं दे सकूंगा, बिकॉज अभी जो 4 साल है ना, इसमें आप अपने कोई कमा नहीं रहे, तो आपका हर जो मिनट है वो पैसे के लिहाज से नहीं होगा। लेकिन जो ही आप ये अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपका हर मंथ जो है वो 50-60 हज़ार रुपए का होगा। तो अगर आप 1 साल तक जॉब नहीं करते तो इट मीन्स कि आपने 1 साल का जो 6-7 लाख बनता है वो आपने जाया किया है। ठीक है, सो उस वक्त पैसे की हो जाएगी। तो ये जो टाइम है ना, आइडियल टाइम, कि जो आपका 1 साल अगला आने वाला है, 1.25 साल भी पड़ा हुआ है, इसको जितना भी यूटिलाइज कर सकते हैं इस परस्पेक्टिव में करें। ठीक है, उसके लिए अगेन आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी अपने अंदर जो है वो, हमने सारी बातें जो कर रहे हैं, एथिक्स की बातें कर रहे हैं, प्रोफेशनल स्किल्स की बातें कर रहे हैं, ये आपको अपने अंदर इंप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा और अपने जहन में जो है वो गिव अप वाला जो एक पॉइंट होता है उसको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क लेने पड़ेंगे आपको, देखना पड़ेगा कि जो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने हैं दुनिया में उनकी क्या हिस्ट्री है, उनको उनसे हमने सबक सीखने हैं, तो फिर इस तरफ जा सकते हैं। इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड कर दूं, फिर आपको क्वेश्चन लेता हूं, कि जो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में ना, इसमें बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, वो मिस्टेक ये होती है कि हम इसको ट्रीट करते हैं कि जब हमें सोचते हैं कि मैं क्या करूं, असल पॉइंट यही है कि दो चीजें आपने सोचनी है, एक आइडिया और एक अपने बिजनेस मॉडल सोचना है। आइडिया बड़े आइडिया बन सकते हैं, बैठे बैठे सोच लें कि मैं कोई ऐसा एक मशीन बनाऊं जो कि खाना बनाती जाए बगैर गंदम डाले, दैट्स आइडिया, दैट्स गुड। लेकिन असल पॉइंट ये होगा कि ये चलेगा कैसे, यानी बिजनेस मॉडल कैसे होगा, इसमें से पैसे कैसे जनरेट होंगे, 2 महीने बाद कितने पैसे जनरेट होंगे, 3 महीने बाद पैसे कैसे जनरेट होंगे, यानी पैसे जनरेशन का मैकेनिज्म क्या होगा। तो जब भी आपने कोई आइडिया सोचना है, अपने साथ उसका जो बिजनेस मॉडल जरूर सोचना है कि ये काम कैसे करेगा और इसमें से पैसे कैसे आएंगे। ठीक है, जो मैं पॉइंट कहने लगा था कि सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं बिजनेस इसमें एंटरप्रेन्योर या बिजनेस के आइडिया में, वो ये सोचते हैं कि हम IT के राउंड सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना दूं, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना दूं, अच्छा वो ऐसी एप्लीकेशन हो, ये सोचना शुरू कर देते हैं। ये सबसे गलत अप्रोच है। आपने जब भी कोई आइडिया सोचना है उसको अपने IT को निकाल के सोचना है और देखना है कि हमारे इर्द गिर्द में कोई ऐसी नीड है, जो ऐसी एक चीज चल रही है जो कि अगर हम इसको ऐसे करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इससे लोगों को आसानी पैदा होगी। फिर आपने IT को सोचना, IT ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगी। ठीक है, IT आपको उसमें हेल्प करेगी। आप कोई भी चीज सोच सकते हैं, अच्छा जी मिसाल के तौर पे अभी हमारे घरों में दूध नहीं मिल रहा, खालस दूध बड़ा मुश्किल है, क्या मैं ऐसा ना करूं कि मैं खालस दूध जो है लोगों घरों तक पहुंचाना शुरू कर दूं किसी तरीके से। ठीक है, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आप जब काम सोचेंगे, थोड़ी R&D करेंगे, देखें कितनी नीड है, कितने लोगों को सर्वे करवाएंगे, देखेंगे कि लोगों को चाहिए भी कि नहीं चाहिए, क्या लोग 120 पे कर सकते हैं घर बैठे हुए खालस दूध के लिए। फिर आप सोचेंगे मैं IT से कैसे इसको इंप्रूव करूं कि किस तरह ये IT मुझे हेल्प करेगी, घर में बंदा बैठा जो है वो मुझे ऑर्डर दे दे। ठीक है, फिर आपको IT सपोर्ट करेगी। जब भी आपने बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप का सोचना है तो आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचना है और उसमें आपका जो प्लस होगा वो IT होगी। IT के बगैर आप उसको सॉल्व उस तरह कर नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी आपको ऐसा आइडिया लगता है जिसमें IT इन्वॉल्व नहीं भी है, ठीक है, IT फुली सपोर्ट नहीं कर रही लेकिन एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता होता हूँ, आपका कोई पीछे गांव है, कोई आपके वहाँ फैमिली में कोई लोग रहते हैं, कोई रिश्तेदार रहते हैं और वहाँ पे एक चीज प्रोड्यूस होती है और वो चीज़ आप समझते हैं कि अगर मैं वो चीज़ वहाँ से परचेज करूँ, फॉर एग्जाम्पल चावल या गंदम और यहाँ ला के मैं बेचूँ, तो मुझे साल के अंदर मैं उसके अंदर 5-10 लाख कमा सकता हूँ और मेरी इसमें एफर्ट भी ज्यादा नहीं है, दैट इज द बिजनेस, दैट इज आइडिया। उसमें IT को यूज करना चाहते हैं कर ले, नहीं भी यूज करेंगे तो, लेकिन एक बिजनेस जरूर है इसमें। ठीक है, सो बिजनेस के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, वो मैं आपको स्टार्ट करूँ तो आपको पहला क्वेश्चन मुझसे होगा कि मैं क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा, मैं क्यों नहीं बिजनेस करता, वो एक लहर डिस्कशन है, हम कभी करेंगे टाइम मिला तो। लेकिन जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं बड़े फायदे हैं, उसमें बरकत भी होती है, फिर आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे होते हैं, आप डिपेंडेंट नहीं होते, आप अपनी एफर्ट लगा रहे होते हैं, तो वो जितनी एफर्ट आप बिजनेस में लगाएंगे वो आपकी अपनी एफर्ट होगी, और जब किसी का काम कर रहे हो तो किसी और के लिए कर रहे होते हैं, तो ये दो बड़ा खास फर्क है। अब एक क्वेश्चन आपके दिन में आना चाहिए, क्वेश्चन ये आना चाहिए, फिर क्या मुझे 4 सालों के बाद फौरन अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए, मुझे जॉब नहीं करनी चाहिए? ये मैं इसका आंसर ये नहीं कहूँगा, ये जरूरी नहीं है।
यू शुड डू योर जॉब. आप जॉब अगर मिलती है आपको कहीं और आप अभी स्टेबल नहीं हो पा रहे और आपको बिजनेस के आप समझते हैं कि मेरे में कमजोरियां हैं, मुझे प्रोफेशनल एथिक्स की जरूरत है, मुझे प्रोफेशनल लर्निंग की जरूरत है, यू शुड जॉब. जब जॉब कर रहे हो अपने जॉब अपनी पूरी ईमानदारी से करनी है और उसके साथ अपने बिजनेस को भी सोचना है आपने. आप जब जॉब कर रहे होंगे तो जो लर्निंग कर रहे हैं ना वो उसमें आप अपनी लर्निंग बिजनेस के लिए ही कर रहे होंगे. यानी आप जॉब कर रहे हैं और आप वहां जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, सिस्टम उनका काम कर रहे हैं, कैसे काम होता है, कैसे ई मेलिंग होती है, कैसे मेरा मैनेजर मुझसे काम करवा रहा है, कैसे कंपनी चीजों को देख रही है, वो आप सारी लर्निंग कर रहे हैं, उनका काम भी कर रहे होंगे ईमानदारी से, लेकिन ये सारी की सारी लर्निंग आपको तैयार कर रही होगी आपके बिजनेस के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. सो आपके जहन में ये आइडिया होना चाहिए कि मैंने अपना काम स्टार्ट करना है, मैंने अपना काम कोई ना कोई करना है, किसी दिन मैंने स्टार्ट जरूर करना है जब भी मुझे चांस मिलेगा, और मैंने इस तरह का काम करना है कि जो मतलब मुझे जो भी आपके दिन में आइडिया बनता है. तो उसके लिए ये नहीं कहना कि मैं फौरन स्टार्ट कर दूं. अगर आप इफ यू फील कि मैं अभी रेडी नहीं हूं, स्टार्ट जॉब, जॉब स्टार्ट करें, उसमें लर्निंग करें, पैसे भी आएंगे, पैसों को सेव करें, लेकिन यू शुड हैव अ टारगेट कि मैंने एक दिन स्टार्ट करना. वो एक दिन हो सकता है आपका एक महीना हो, एक साल हो, दो साल हो, दस साल हो, दैट कैन बी एनी नंबर. ठीक है, वो आपके जहन में आइडिया होना चाहिए और उसमें स्टार्ट करना चाहिए. अब आप लोगों के जहन में जो क्वेश्चन है कोई इस तक है तो पूछ लें, क्योंकि आगे मैंने सिर्फ कुछ जॉब से रिलेटेड बातें करनी है, लेकिन ये जो पहला पॉइंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका माइंड सेट तैयार करने के लिए और चीज जरूरी थी. जी अभी हम प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन नहीं कर रहे, हम FIP की डिस्कशन करेंगे, उसमें हम फिर डिस्कशन करेंगे आपको FIP किस तरह के चूज करने चाहिए, उसके लिए सेशन जरूर करेंगे हम इंशाल्लाह इसके बाद. आज हम करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज या कैरियर पास आपके पास क्या क्या है. सो प्लीज यहाँ तक क्वेश्चन आपके दिन में आ रहे हैं तो पूछें, जो भी आपके दिन में कोई पॉइंट है, कोई डिसएग्रीमेंट है पूछें. सर अगर हमें लगता है कि हम अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट कर सकते हैं और हम स्टार्ट कर देते हैं, बट वो बाद में हमारा बिजनेस प्लान अगर फेल हो जाए तो फिर हमें उस कंडीशन में क्या जॉब की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? देखिए इसमें ना वो एक सिंपल सी पॉइंट है जो कहते हैं ना कि फेलियर क्या है. तो फेलियर सिंपल क्या होती है कि आप जब आप काम करते हैं ना तो आपने आपने फॉर एग्जांपल डिफीट हुई है, या कहते हैं डिफीट बेसिकली, या फेलियर क्या चीज़ होती है, अगर तो आप उससे हार मान जाते हैं तो फेलियर है, अगर आप हार नहीं मानते तो आपने सीखा होता है. अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटस, आपके फाइनेंशियल कितने आपके ऊपर डिपेंडेंसी है. अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है तो यू शुड नेवर गिव अप. आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, दोबारा उस लर्निंग को इस्तेमाल करें और आगे बेहतर काम करें. लेकिन अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज हैं देन यू नीड टू डिसाइड कि अब मैंने कब रुकना है, मैंने कब जो है ना वो जॉब स्टार्ट करनी है. ठीक है, लेकिन अगर आप जॉब भी स्टार्ट करेंगे तो आपके जहन में वो बिजनेस वाला पार्ट ये रहना चाहिए, उसके ऊपर आप थोड़ी थोड़ी एफर्ट करते जाएं, उस पर काम करते रहें साथ साथ, और इससे भी जो अमाउंट गेट कर रहे हैं उससे अमाउंट गेट कर रहे हैं उससे अपना फाइनेंशियल सर्कल भी चलाएं और साथ एक खास अमाउंट अपने बिजनेस के लिए भी इकट्ठे करते जाएं, उस पर काम करते जाएं. सो ये मतलब सबसे बड़ा जो पहली चीज आपने सोची ना, पेशेंस लेके आना है. आप ये अज्यूम करेंगे ना कि मार्क जुकरबर्ग जो है वो 20 साल 25 साल की उम्र में बिलियनर बन गया, मैं बिलियनर बन जाऊं, तो बड़ा मुश्किल है. वो एक्सेप्शंस हैं, हम एक्सेप्शंस को देखते हैं कि दुनिया में 10-20 एक्सेप्शन हैं, लेकिन जो बकाया इतने 7 अरब लोग हैं वो क्या कर रहे हैं वो नहीं देखते. सो अल्लाह करे कि आप सब लोगों का आइडियाज हैं वो क्लिक कर जाएं, सब लोग जो बिलियनर बन जाएं, लेकिन यू नीड टू हैव पेशेंस कि हो सकता है 10 साल में मुझे वो उसका रिवार्ड मिले, 5 साल में रिवार्ड मिले, लेकिन मिलेगा जरूर. ठीक है, तो वो पेशेंस का पॉइंट हमने मिस नहीं करना. जी कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन आप लोगों को? मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? आइडिया मिल रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर. ठीक है, ओके, चलेंगे. क्वेश्चन आता है तो बताइएगा, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ. अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि जॉब की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या जो है वो डोमेन्स हैं. तो बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे पास आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या क्या हैं. आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, जिसमें आप वेबसाइट या डेस्कटॉप या एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं. .NET जावा में .NET की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, बाकी टेक्नोलॉजीज में अपॉर्चुनिटीज कम है. .NET में चूंकि डेवलपमेंट ज़रा ज़्यादा बड़ा एक फ्रेमवर्क है तो ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और क्लाइंट भी चाहता है कि जल्दी डेवलपमेंट हो. इसमें क्लाइंट के लिए कॉस्ट पड़ती है क्योंकि ये प्रोप्राइटरी टूल्स यूज होते हैं. जावा में या PHP में इनमें क्लाइंट को कॉस्ट नहीं पड़ती, तो वो क्योंकि प्रोप्राइटरी टूल यूज नहीं होते उसमें मोस्टली. तो क्लाइंट का फोकस ये होता है कि वो टेक्नोलॉजीज यूज की जाए, जावा वगैरह. तो जावा में जो है रिसोर्सेज कम होते हैं, तो इफ यू थिंक यू आर गुड इन जावा तो यू शुड गो इन जावा. ठीक है, आपको जावा के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज बड़ी आगे मिलेंगी, कैरियर में ग्रोथ भी मिलेगी. डेटाबेसिस की साइट है, अगर आप समझते हैं कि आपको डेटाबेसिस में काफी इंटरेस्ट है और यू फील कंफर्टेबल तो यू कैन गो इन डेटाबेसिस फील्ड. डेटाबेसिस का वो आइडिया है. सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की फील्ड है. सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में एक बड़ी देर तक ट्रेंड रहा है कि हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को समझते रहे कि ये जब आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती या आप बिल्कुल ही नकम्मे हैं
तो यू शुड गो इन क्वालिटी एश्योरेंस. और नॉर्मली एक बड़ी देर तक ट्रेंड रहा है कि फीमेल ज्यादा क्वालिटी एश्योरेंस में जाती रही हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारा ट्रेंड जो है, आप लोगों ने भी फील किया होगा कि फीमेल्स का जो प्रोग्रामिंग में वो ट्रेंडिंग होता है जो मेल्स का होता है. ये मतलब एक नॉर्मल ट्रेंड है, लेकिन अब ट्रेंड बदल भी रहा है. वी कैन सी कि बड़ी अच्छी अच्छी फीमेल रिसोर्सेज भी आती हैं और बड़े बड़े जो मेल हैं वो प्रोग्रामिंग में रह जाते हैं, तो वो ट्रेंड चेंज भी हो रहा है. तो अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की फील्ड बदल रही है. सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की फील्ड में आपको किस क्यों जाना चाहिए, आप में से कि जो चाहता है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसके पास दो तीन क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए. अगर आप समझते हैं कि जी आप अच्छे प्रोग्रामर हैं और अच्छे डेवलपर हैं, यू शुड नॉट गो इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. आप डेवलपमेंट की फील्ड में जाएं, आपके पास ज्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं उसके अंदर. अगर आप समझते हैं कि जी आप एवरेज डेवलपर हैं और आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग या एक चीज़ के अंदर मुख्तलिफ केसेस निकालने या उसको डिफरेंट स्टाइल से देखने की ऑप्शन है, और आपके अंदर सब्र है चीज़ों को देखने की, मतलब आज मैं कहूँ कि इसको टेस्ट करें तो आप इसी पेज को बार बार ऊपर नीचे कर सकें, इन बटन्स को क्लिक कर सकें, पहले इसको क्लिक कर सकें, फिर इसको क्लिक कर सकें, आपको ये चीज़ अजीब ना लगती हो, तो आप उस केस में सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं. और मैंने साथ वर्ड बोला एवरेज प्रोग्रामर, बिकॉज आपके दौर में क्वालिटी एश्योरेंस की फील्ड में अगर आप प्रोग्रामर हैं, आपको प्रोग्रामिंग की सेंस है और डेटाबेस में क्यूरी राइट करने आती है, तो बड़ा ब्राइट आपका फ्यूचर है क्वालिटी एश्योरेंस में. वो इसलिए कि अब क्वालिटी एश्योरेंस जो है फील्ड है जिसके अंदर हम टेस्टिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो टेस्टिंग सिंपल ये नहीं रहेगी कि मैं यहाँ बैठ के क्लिक क्लिक करता रहूँ. उसके अंदर ऑटोमेशन टेस्टिंग आ गई है. ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए आप प्रोग्रामिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट में किसी लैंग्वेज के अंदर, और डेटाबेसिस की स्किल आपको अच्छी होनी चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट है. तो अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हैं तो यू शुड गो इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और अगर आप अच्छे से कम अच्छे प्रोग्राम है, यानी फॉर एग्जांपल आप एवरेज प्रोग्रामर हैं और आप मैंने जो स्किल्स बताई हैं वो आपके अंदर हैं, तो यू शुड गो इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. आपका अच्छा स्कोप है इसके अंदर, क्योंकि नॉर्मली लोग जो प्रोग्रामर जिसको आती होगी, प्रोग्रामिंग आती होगी, क्वालिटी एश्योरेंस में नहीं जाता. तो अभी ये समय लें वही वाली बात है कि अगर क्वालिटी एश्योरेंस में जाएंगे और आपकी एवरेज प्रोग्रामिंग है, तो यू शुड हैव ब्राइट विल हैव ब्राइट चांसेस टू मूव फर्दर इन योर कैरियर क्विकली. ठीक है. इसके अलावा अगर आपकी ये एक फील्ड है, अगर अगेन आप इतने अच्छे प्रोग्रामर नहीं है तो आपके पास, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो यू कैन गो इन बिजनेस एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड पे जा सकते हैं आप. ठीक है. ये इसमें आपको इतनी ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स होना ज़रूरी नहीं है. आपको क्लाइंट डीलिंग, कम्युनिकेशन करनी आती हो, रिक्वायरमेंट क्लाइंट से लेनी, क्लाइंट को मैनेज करना, उनको नोट डाउन करना, या तो फिर एवेंचुअली बिजनेस एनालिस्ट जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल में चले जाते हैं, जहाँ मैनेजमेंट करना, तो जिसे हम ठेकेदार बोलते हैं, जिसने काम करवाना होता है. तो नॉर्मली इधर से भी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली साइड से भी प्रोजेक्ट मैनेजर की साइड पे आ जाते हैं. यानी अगर आपने प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं और एवेंचुअली यू फील दैट कि अब मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता 5 साल 10 साल बाद 7 साल बाद, तो यू मैनेजमेंट साइड पे आ सकते हैं, जिसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग खुद नहीं करनी होती बल्कि प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी होती है, लोगों को असाइन करना होता है. इसके भी डिफरेंट रोल हैं. कुछ कंपनीज में प्रोजेक्ट मैनेजर है वो जो टेक्निकल प्रोजेक्ट्स को लीड करता है, यानी ये बेसिकली वो जो टेक्निकल लोग होते हैं इसको रिपोर्ट करते हैं. कुछ कंपनीज में इसको रिपोर्ट नहीं करते, इसका काम सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, रिक्वायरमेंट को प्रॉपर जो अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स पढ़ेंगे आप, उसके अंदर रिक्वायरमेंट को डिवाइड करना, कॉस्ट एस्टिमेशन करना, टाइम एस्टिमेशन करना, इसमें सारा काम खुद नहीं करता, आगे टेक्निकल लोगों को यूज भी करता है, उनकी राय लेता है. तो ये एक फील्ड है. अगर आप समझते हैं कि आप में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आप में इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, आप लोगों के साथ अच्छी तरह बातचीत करते हैं, सोशल आप हैं, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं. आप में से कोई ऐसा है जो कि टेक्निकल राइटिंग की साइड में जाना चाहता है, जिसका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो टेक्निकल राइटर की एक फील्ड होती है जिसके अंदर आप राइटिंग करते हैं और टेक्निकल मतलब डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं ना, आप एमएसडीन के डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं या गिटहब पे जाकर डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं या किसी प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, वो ये लोग करते हैं टेक्निकल राइटर्स, जो कि टेक्निकल होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें सीएस का पता है, कहीं पर एक वर्ड आएगा बिट का या बाइट का, तो इन्हें पता है कि क्या होता है, तो वो उसको राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. टेक्निकल राइटर्स, तो इफ यू हैव टेक्निकल स्किल्स और राइटिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं, तो अभी से आप अपने ब्लॉग लिखना और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना शुरू कर दें. अगर आप समझते हैं कि जी आप में ग्राफिक्स की स्किल्स अच्छी हैं, यू हैंडल ग्राफिक्स टूल वेल, अडोब फोटोशॉप का बड़ा शौक है आपको, आप अपने यानी आपसे कहा जाए कि एक बनाएं तो आप अच्छे एक यूआई बनाएं तो आप बड़े अच्छे आइडिया सोच लेते हैं, बड़े अच्छे लोगोज बना लेते हैं, तो आपके पास ये फील्ड भी ओपन अवेलेबल है. जैसे मैं आप सब लोगों को एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि आपने हमेशा डेवलपमेंट साइड पर जाना है. इन सब में से उस तरफ जाएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है. ठीक है. क्योंकि एवेंचुअली पैसा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेटिस्फेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको लेट्स सपोज करें आप ग्राफिक डिजाइन में बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रोग्रामिंग में एवरेज हैं, और आप कहते हैं नहीं जी पैसा क्योंकि ज्यादा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, तो मैं ना इसमें चला जाता हूँ,
وہاں جا کے آپ ذلیل ہوں, سیٹسفائڈ فیل نہ کر رہے ہو, تو دیٹ از ویری ویری بیڈ. بہتر ہے کہ آپ جس میں اچھے ہیں اس میں اپنے آپ کو ایکسل کریں. گرافک ڈیزائننگ آپ کو لگتا ہے بہت اچھے ہیں تو اس کی کورسز کریں. آپ جائیں, فائن آرٹ کے ڈپارٹمنٹ اویلیبل ہے, این سی اے کا اویلیبل, وہاں پہ کورسز ہوتے ہیں. اڈوب کو اچھی طرح لرن کریں, پراپر گرافکس کی ان ڈیپتھ ٹریننگ لیں کہ جب گرافک ڈیزائنر سوچتا ہے, وہ ڈفرنٹ طرح کے لوگو سوچ رہا ہے یا ڈفرنٹ پرسپیکٹو سوچ رہا ہے, تو کیا کمبینیشن سوچتا ہے کہ میں نے کس طرح ایک بنانا ہے, کس طرح ایک چیز بنانی ہے. ٹھیک ہے, سو اس میں جو بھی آپ کو لگتی ہے فیلڈ جس میں آپ کو انٹرسٹ لگ رہا ہے, پیشن لگ رہا ہے, اس پہ جائیں. تھوڑا ٹائم لگ جائے گا زیادہ. آپ نے فار ایگزامپل گیم ڈیولپمنٹ نہیں پڑھی, ٹائم لگ جائے گا نا, کہیں سے ٹریننگ لینی پڑے گی, آپ تھوڑا پیچھے رہ جائیں گے باقی لوگوں سے, لیکن ایونچولی آپ سیٹسفائڈ فیل کریں گے, خوش فیل کریں گے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, مجھے مزہ آ رہا ہے. اچھا, تو گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ ہے جس کے اندر میں نے بتایا اڈوب فوٹو شاپ کے ٹول ہوتے ہیں, اور آپ کو یہ جے کیو ری وغیرہ کے تھوڑا پلگ ان استعمال کرنا اور فرنٹ اینڈ ڈیولپ کرنا آنا چاہیے. موبائل اپلیکیشن ڈیولپرز ہوتے ہیں جو موبائل ایپس بناتے ہیں. گیم ڈیولپمنٹ موبائل ایپس میں بنتی ہیں اور لیدا بھی بنتی ہیں. اس کے بھی ٹولز اویلیبل ہیں, اینڈرائڈ, یو فون, آئی فون اور یونٹی وغیرہ فریم ورکس ہیں جو گیم ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں آپ کو. سیکیورٹی انجینئر اور ایڈیٹرز ہوتے ہیں. اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں اور آپ کو سیکیورٹی بڑا ہی اچھا ہے, شوق ہے سیکیورٹی ہول فائنڈ کرنے کا, تو ایک پوری فیلڈ ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جا سکتے ہیں آپ. اور یہ لیکن ابھی فوراً نہیں جا پائیں گے, ہمارے ادھر اتنی کمپنیز نہیں ہیں. ایک دو کمپنیز ہیں, فار ایگزامپل ای برکس ہے جس کے اندر یہ کمپنیز اس پہ کام کر رہی ہے, سیکیورٹی وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور جو ہیں جو کہ آپ پڑھیں گے نہیں لیکن آپ اس میں جا سکتے ہیں, بڑی ہاٹ فیلڈز ہیں آج کل, ڈیٹا سائنسز کی فیلڈ ہے, مشین لرننگ کی, اے آئی کی, بگ ڈیٹا کی اور کلاؤڈ کی. کلاؤڈ میں ہم نے تھوڑی ڈسکشن کی تھی, تو کلاؤڈ کی کافی زیادہ جاب اپرچونیٹیز آگے آنے والی ہیں فیوچر میں. اور نیٹورکس کی فیلڈ, اگر آپ نیٹورکس میں اچھا فیل کرتے ہیں تو آپ اس طرح اس فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں. اس کی بھی سرٹیفیکیشنز کا پورا ٹریک اویلیبل ہیں, کچھ آپ نے پڑھے بھی ہوں گے اور آپ اس میں جا سکتے ہیں. تو اس میں جو پروگرامنگ فیلڈ ہیں وہ تھوڑی سی ہیں. سافٹ ویئر میں پروگرامنگ آپ کو اچھی ہونی چاہیے, باقی موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ اور گیم ڈیولپمنٹ پروگرامنگ اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں کچھ ایوری پروگرامنگ بھی چل جاتی ہے, تو بہت ساری اپرچونیٹیز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں, تھوڑا سا ان فیلڈ کو مزید ایکسپلور کریں اور دیکھیں کہ آپ کا میچ کر رہا ہے پھر چھوٹ کے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, یہاں تک کوشچن آپ لوگوں کا. میں سوچ رہا تھا جلدی ختم ہو جائے گا لیکن آج ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, لیکن کام آ رہا ہے اتنا زیادہ نہیں ہے, یہی چیزیں ریپیٹ آگے کرنی ہے ہم نے. جی بولے بیٹا. سر یہ کہ ابھی تھوڑا میں ریسنٹلی کچھ پڑھ رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ فنکشنل پروگرامنگ اور جو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں, تو اس میں جو فنکشنل والے ہوتے ہیں ان کی تھوڑی پے بھی زیادہ ہوتی ہے, یہ تھوڑا مطلب کافی زیادہ پے کرتی ہے فنکشنل پروگرامنگ. دیکھیے اس کا آنسر اس طرح ہی ہے کہ جیسے آپ ابھی بھی اسمبلی والا آپ کو جاب اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی نا, تو اگر آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نئی پروگرامنگ لینگویج آئی ہے جو کہ بڑے کمپلیکس کام خود ہی کر دیتی ہے, تو لازمی بات ہے کہ اس کی جو پے ہوگی, اس کے ریسورسز نہیں اویلیبل ہوں گے نا اس نئی لینگویج کے, تو پھر اس کی جو ریسورسز کی پے زیادہ ہوگی. یہ تو ایک سمپل سا ٹرینڈ ہے. اب ڈاٹ نیٹ کے ریسورسز بہت زیادہ مل جاتے ہیں تو اس کی پے انڈسٹری میں اسٹینڈرڈ ہے, لیکن نوڈ کے بھی ڈیولپر نہیں مل رہے انڈسٹری میں, نوڈ ڈاٹ جی ایس کے, تو اس کی پے زیادہ اچھی ملے گی. یعنی اگر آپ کے پاس نوٹ کا ایکسپیرینس ہے 6 مہینے سال کا, تو آپ کو 3 سال ڈاٹ نیٹ والے بندے کا ایکسپیرینس مل جائے, پے مل جائے گی. اس طرح پی ایچ پی کا اگر 5 سال کا ایکسپیرینس ہو تو آپ کے پاس, اور نوٹ کا 1 سال کا ایکسپیرینس ہو, تو آپ کو سیم پے پہ کام کریں گے آپ دونوں. تو یہ اگین ڈیمانڈ اور اس پہ چلتا ہے کام. تو اگر ڈیمانڈ اس چیز کی اور ریسورسز نہیں ہے تو اس کی پے زیادہ ہی ہوگی. اس کا اوپ کا اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگین ڈیمانڈ کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, ریسورسز اویلیبل نہیں اور ڈیمانڈ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, چلیں آگے. جی گڈ ہے سر. جی جی سر, جس طرح سے فار ایگزامپل آپ ڈفرینٹ ڈومینس بتائیے, اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو ساری ڈومین میں اس کا انٹرسٹ ہے, اس کے مارکس بڑے اچھے آتے ہیں ان سبجیکٹس میں, تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس فیلڈ کی طرف جائے, کس ڈومین کی طرف جائے, اس سچویشن میں کیا کرنا. یہ جو ہائی سی جی پیز ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے سی جی پیز کا ہے. ہاں جی, ان کا سی جی پی اچھے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 80-85 آ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے یہ والا کہ کس میں جائیں. نیٹورک میں بھی 85 آ رہے ہیں, کوالٹی ایشورنس میں بھی آ گئے ہیں, لیکن آپ جب تھوڑا سا اپنا انالیسس کریں گے نا, تو آپ کو اپنا ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ تھوڑا سا بیٹھ کے تسلی سوچیں کہ جی میرے 5 ٹاپ فیلڈ کے ہیں, پہلے 5 نکالیں آپ, پھر 5 کے بعد سوچیں میں 3 ٹاپ فیلڈ کیا ہوں گی جو کہ میں اگر مجھے چوز کرنی پڑے ان 5 میں سے 3 کو کیا ہوں گی, تو ایونچولی آپ کسی ایک پہ آ جائیں, آپ کر جائیں گے ایونچولی. ٹھیک ہے, یہ آپ تھوڑا سا اپنی اسٹڈی کریں سیلف, تو آپ کو مل جائے گی ایک فیلڈ کہ مجھے کس میں جانا چاہیے. دیکھیں اگین وہی میں نے آپ کو بتایا نا, انٹرسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں آپ کو کہوں نیٹورک میں چلے جائیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا. اور ایونچولی آپ, میں یہ کوشچن نیچے آنا تھا لیکن بتا دیتا ہوں, جب ابھی آپ جائیں گے نا جاب کے لیے, تو آپ میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کی جاب میں نہیں جا پائیں گے. آپ اپلائی کریں گے, آپ کو کہیں سے آپشن آئے گی, آپ اس آپشن میں چلے جائیں گے, وہ آپ سے کہیں گے آپ آر میں کام کرو, وہ آپ سے کہیں گے موبائل میں, آپ کو جنہیں یقین آپ کو جو اپرچونیٹی ملے گی آپ 90% لوگ اس میں چلے جائیں گے. جو 10% ہوں گے نا جو زیادہ اسٹرگل کریں گے, زیادہ چاہیں گے, تو وہ اپنی مرضی کی چوز کر پائیں گے.
तो पहले तो आपके आपके पास ऑप्शन ही नहीं है स्टार्टिंग के लिए एटलीस्ट. लेकिन जब आप जाएंगे वहाँ पे सिक्स मंथ गुजारेंगे देन यू विल हैव ऑप्शन. जो शुरू में क्वेश्चन आया था कि क्या मुझे फील्ड में जाके चेंज करना चाहिए, लेकिन लेट्स सपोज करें अभी आपको एक ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिलती है जी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की एंड यू आर अ गुड डेवलपर, तो आपको नहीं जाना चाहिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में, आपको वेट करना चाहिए. ऑल्दो वो आपको ऑफर ही नहीं करेंगे, ऑफर इसी बेस पे करेंगे आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, लेकिन उन्हें लग रहा होगा कि स्पार्क है तो आपको एसक्यूक्यू ऑफर कर देंगे. ठीक है, सो अगेन इट डिपेंड्स. आपको चांसेस हैं कि आप जाएं और आप कहीं में डॉटनेट में काम करना, तो लेकिन चूंकि इंडस्ट्री में अगर अपॉर्चुनिटीज मोबाइल की ज्यादा चल रही है तो आपको मोबाइल के लिए वो मोबाइल के लिए आपको रिकमेंड कर लेंगे. ठीक है, आपको हायर कर लेंगे. फिर आप डिसाइड कर सकते हैं सिक्स मंथ बाद, एक साल बाद या कुछ अर्से के बाद कि आप मुझे ये मुझे समझ आ रही है या नहीं आ रही, मेरा पैशन बन रहा है कि नहीं बन रहा और इसमें कंटिन्यू करना कि नहीं चाहिए. लेकिन वो आप सब लोगों के एक आएगा साइकिल आएगा डिसाइड करने वाला, और उस वक्त आप अच्छी पोजीशन में होंगे, आप डिसाइड कर पाएंगे कि भाई मुझे कहाँ जाना चाहिए. ठीक है, तो शुरू में बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए डिसाइड करना, लेकिन अगेन अभी तो आप चूंकि ऑलराउंडर हैं तो ऑलराउंडर की तरह ही खेलें. ठीक है, आप अपने सारे कोर्सेज में करें, लेकिन आपको अपना वही मैंने जैसे बताया ना कि स्टार्ट करें, पांच टॉप सब्जेक्ट निकालें, इन पांच टॉप में निकालें, फिर तीन निकालें और इवेंचुअली एक निकालें, आपको एक मिल जाएगी फील्ड जिसमें आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए. ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन? हेलो, ठीक है चलें आगे. अच्छा ये देखिए टाइटल्स हैं, मैं क्विकली दिखा देता हूँ. ये टाइटल्स नॉर्मली इंडस्ट्री में चलते हैं इस तरह के टाइटल्स. सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टाइटल चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये डेवलपर होता है, ये एक टाइटल चलता है आपको मिलेगा नॉर्मली. एसक्यू के बंदे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल दिया जाता है, तो टाइटल चलते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर आते हैं एनालिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये फ्रेशर को बोलते हैं. कई कंपनीज में ये नहीं होता, कुछ कंपनीज में ये होता है. जब आप हायर करते हैं पहले आपको एनालिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं बिजनेस एनालिस्ट नहीं सिर्फ टाइटल है. उसके बाद प्रमोशन आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे होती है, उसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है. मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, सॉफ्टवेयर के बाद सीनियर आ जाता है कुछ कंपनीज के अंदर. ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, फिर प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फिर टीम लीड बन सकते हैं आप एक टाइम के बाद जाके. कुछ कंपनीज में जो है सीनियर लोगों को स्टाफ इंजीनियर भी बोलते हैं, प्रोग्राम आर्किटेक्ट बोलते हैं, ये भी टाइटल दिया जाता है. सॉफ्टवेयर डेवलपर, सर्वर साइड डेवलपर, इस तरह के नाम दिए जाते हैं डिफरेंट तरह के. अगर आप आर्किटेक्चर में आगे फ्यूचर में जाएंगे कुछ अर्सा गुजारेंगे पांच सात साल बाद, तो ये कुछ ऑप्शन होती है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की, सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की, ये आपके एक ट्रैक बनता है. क्वालिटी एश्योरेंस में जाएंगे तो ये नॉर्मली यही होते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, सीनियर, प्रिंसिपल. एथिकल हैकिंग इसमें आती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर, ये आप इसकी सर्टिफिकेशन करें, पूरा एक ट्रैक है और आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं इसके अंदर. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर भी होते हैं जिन्होंने बेसिकली प्रोसेसेस को मैनेज करना होता है और बिल्ड मैनेजमेंट करनी होती है, लेकिन इसकी जो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं. अगेन अब आप कहीं भटकते भुटकते इस जॉब में चले जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली आपको ये नहीं, आपकी चॉइस की जॉब नहीं हो गई वाली, ये कहीं आपने स्टार्ट की गलत स्टार्ट कर ली या अच्छे मार्क्स नहीं थे, आप कहीं लग गए और आप इस कैरियर में लग जाएंगे. टेक्निकल राइटर मैंने बताया था आपको ऊपर, यूआई में ये वाली होती है नॉर्मली, ग्राफिक डिजाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर. अच्छा एक वर्ड आएगी फुल स्टैक डेवलपर. फुल स्टैक डेवलपर मतलब ये होता है कि ये बंदा सारे काम करता है, फ्रंट एंड पे भी काम कर रहा है, सर्वर साइड पे भी काम कर रहा है, यानी सी शार्प में या पीएचपी के अंदर, और डेटाबेस पे भी काम करता है. आप सब फुल स्टैक डेवलपर ही एक्चुअली जो असाइनमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप मेंशन कर सकते हैं अपने पास. आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो मेंशन कर सकते हैं मैं फुल स्टैक डेवलपर हूं. ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर सेट जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो आपका अपना अपना होगा, एक का क्लाइंट साइड डेवलपर है, डेटाबेस का ट्रैक है पूरा, उसमें ये लोग होते हैं डेटाबेस डेवलपर, बैकएंड डेवलपर. ठीक है, जो डेटाबेस पे ज्यादा काम करते हैं, क्यूरी राइटिंग, रिपोर्टिंग जनरेशन इस पे काम करते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इनका फ्यूचर होता है. ये डीबीए बन सकते हैं जो कि डेटाबेसेस को आगे एडमिन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं. ये मैंने बिजनेस की आपको फील्ड बताई है, बिजनेस एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं. आप इनमें प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्ट नहीं बनते, ठीक है, आप स्टार्ट करना पड़ता कहीं से बिजनेस एनालिस्ट से या क्या. और नॉर्मली जो लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में आते हैं वो इवेंचुअली अगर उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होती है तो वो इस ट्रैक पे जा सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट के ट्रैक पे, प्रोजेक्ट मैनेजर के ट्रैक पे जा सकते हैं. नेटवर्क में, नेटवर्किंग के अंदर भी डिफरेंट तरह के रोल्स अवेलेबल हैं. उसके अलावा जिस तरह ऊपर मैंने फील्ड बताई है, ये कुछ रोल्स अवेलेबल हैं, डाटा साइंटिस्ट का, रिसर्च एनालिस्ट, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, एआई एक्सपर्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, और इसके अलावा आप डिफरेंट तरह के नाम देखेंगे, लेकिन आप लोगों ने ये वाले टाइटल देखे होंगे. एक लास्ट पॉइंट पहले बता दूं फिर क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के. आपके पास एक और ऑप्शन भी है हायर एजुकेशन की भी, आप अपने पास हायर एजुकेशन की भी जा सकते हैं. इसके बाद एमफिल करें, पीएचडी करें, अगर आपका रिसर्च में और हायर स्टडीज में आपका स्टडीज में इंटरेस्ट है तो ये जरूरी नहीं कि आप जॉब ही करें, आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं. हायर एजुकेशन में क्वेश्चन नॉर्मली ये आता है कि मैं फौरन अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद हायर एजुकेशन में चला जाऊं या मुझे वेट करना चाहिए. तो मेरी रिकमेंडेशन ये और एक बड़ी वैलिड रिकमेंडेशन है कि आपको जॉब थोड़ी सी करनी चाहिए, आप जॉब स्टार्ट करें और उसके बाद आप अपना एक टाइम करें, साथ साथ आप अपनी स्टडीज पे फोकस करें कि आपको कहाँ जाना है, थोड़ी सी आरएनडी करें. बेहतरीन तो यही है, और आपको अगर ऑप्शन मिलती है कि बाहर करें, और बाहर में आपके पास जर्मनी वगैरह में एजुकेशन काफ़ी हद तक फ्री है इन कंट्रीज के अंदर, यूरोप में, वहाँ पे ट्राई करें, बेस्ट यूनिवर्सिटी ढूंढें जो आपको मिलती है आपकी फील्ड में, उन प्रोफेसर से कोऑर्डिनेट करें और वहाँ पे जो है वो आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए एक डिग्री ढूंढें और वहाँ पे जाएं. नॉर्मली जो लोग जाते हैं उनका पर्पस ये होता है कि वहाँ जाके वो वहीं पे रहने का प्लान होता है, कि वहाँ जाएंगे वहीं जॉब करेंगे और वहीं से कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, ये प्लान होता है. ठीक है, अगर आपका प्लान
हायर स्टडीज में ये है कि मैंने पढ़ना है और मैंने पीएचडी करनी है और टीचिंग साइड पे जाना है या रिसर्च साइड पे जाना है, आप जाएं वहां से पीएचडी करें वापस आएं या वहीं पे जो भी आपका प्लान बनता है वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक पूरी फील्ड है हायर एजुकेशन की और रिकमेंडेशन यही है कि आप थोड़ा सा टाइम गुजारें, जॉब में जाएं और अपना ये स्टार्ट करें और फिर करें। नॉर्मली ये भी होता है कि जो जॉब स्टार्ट कर देता है और साथ साथ इस पे आरएनडी नहीं करता फिर वो दोबारा हायर एजुकेशन में वापस नहीं आ पाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तीसरा ये कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए मुश्किल होगा वापस आना जॉब में और मैंने जॉब में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने देखा लोगों को, तो आप अभी से अपना प्लान करें और डिग्री कंप्लीट होने के बाद अगले साल साथ ही हायर एजुकेशन की एमफिल की तैयारी शुरू कर दें। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं तो पीयूसीआईटी को बेस्ट कहूंगा, अभी काफी अच्छी है पीयूसीआईटी हायर एजुकेशन में चीज़ों के लिहाज से चल रही है, ठीक है। बाहर ऑप्शन मिलती है, बड़े अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं यूके यूएस में, यूएसए में भी, यूरोप साइड पे, वहाँ फर्स्ट ट्राई करें, अगर मिल जाती है तो आप वहाँ जाएं। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं जो बाहर से पढ़ के हमें उनसे कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर दें, अभी से उनसे राय लें कि मैं किस तरह स्टार्ट करूँ प्रोसेस और अभी से इस पर स्टार्ट कर दें, ऐसा ऐसा यूनिवर्सिटी देखना कैसे काम चलता है, प्रोफेसर से कोऑर्डिनेट करना किस तरह की फील्ड चल रही है, किस तरह के लोग लेते हैं, अभी से स्टार्ट कर दें इसके ऊपर। और इवन आफ्टर रिसर्च आई फील पीएचडी के बाद आपको दो ऑप्शन होंगी, आप रिसर्चर भी बन सकते हैं अकेडमिया के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर बन सकते हैं। अब इंडस्ट्री भी हायर कर रही है पीएचडीज को, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह गूगल वगैरह वो जॉब देते हैं, तो अगेन यू कैन कम इनटू इंडस्ट्री और एकेडमी में आप टीचिंग वगैरह रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। अब टाइम हमारा खत्म होने लगा है, क्वेश्चन आप लोगों के हैं? किस हो गए सब सर, ये जो आपने लिखा हुआ है इसी का आंसर चाहिए। हाउ डज अ फ्रेश रिसोर्स चूज एन इंटू, मैंने इसको बता दिया आपको ऊपर कि आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। आपका बहुत अच्छा सीजीपीए, बहुत अच्छे इंटरव्यू हो रहे हैं तो शायद आपको ऑप्शन मिल जाए, 90% लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होगी। आप जब टेस्ट देंगे कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो आपको डिक्टेट करेगा कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है या हम इस पे काम करते हैं। और अच्छा एक और चीज़ आपके लिए, वैसे भी फ्रेशर है ना, टेक्नोलॉजी मैटर नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी ऐसी अजीबो गरीब टेक्नोलॉजी में ना जाएं जिसपे हमने काम ना किया हो, जो भी टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है थोड़ी आरएनडी कर लें, किसी से मशवरा कर लें और फिर उस पर उसको हाँ या ना करें। जो भी इस पर मैं वैसे एक लगा करूंगा सेशन कि आपको ऑफर लेटर कैसे एक्सेप्ट करने चाहिए या क्या